ये धुली उड़द दाल है, इसे मैं अच्छे से धोकर रात भर के लिए इसे भिगाने के लिए रख दी थी। ये अच्छे से, ये देखिए फूल गया है। अब हम दाल को पीस लेंगे। गांव में तो इसे सिलौटी में ही पीसते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ मिक्सर जार में ही पीस लेंगे। ये देखिए दाल हमारा बढ़िया से पीस गया है। दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ढक कर एक साइड में रख देंगे। अब गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें हम तेल डाल देंगे, 3 चम्मच तेल। तेल गर्म होने पर अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। हम मसाला वाला सब्ज़ी बना रहे हैं तो प्याज थोड़ा ज़्यादा ही डालें, तो ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है। अब प्याज का थोड़ा कलर आने तक इसे थोड़ा भून लेंगे। ये देखिए प्याज हमारा बढ़िया से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी। आपके पास जो नॉर्मल मेथी मिलता है, जो सुखा कर रखते हैं, अगर हो तो वो भी डाल दें। और 3 बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे और मिलाएंगे इसे। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी हम भून लेंगे। 2 तेज़पत्ती और छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा हम डाल देंगे इस तरह से तेल में। आप चाहे तो इसे पहले ही डाल सकते हैं। अब इसे भी मिलाकर भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे, अब इसमें 2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। डूब की सब्ज़ी 2 प्रकार से बनता है, एक मसाला वाला और एक दही में खट्टा वाला भी बनता है। तो आज हम ये मसाला वाला डूब की सब्ज़ी बना रहे हैं और टमाटर को मिला देंगे। अब हम इसमें सूखा मसाला डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे 3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डालें। 3 चम्मच ये धनिया पाउडर है और हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसे मिला देंगे। अब मसाला में बिल्कुल थोड़ा सा इतना पानी डालेंगे, इसे मिला देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ढककर हम मसाले को एकदम अच्छे से भूनेंगे। बीच बीच में इस तरह से ढक्कन हटाकर मसाले को हम मिला देंगे। अगर सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और हम इसे एकदम बढ़िया खुशबू आने तक, तेल अलग होने तक बढ़िया से इसे मसाला को भूनेंगे। अच्छे से मसाला भूनता है तभी सब्ज़ी में बढ़िया सा स्वाद आता है। तो मसाला हम अच्छे से भून लेंगे। छत्तीसगढ़ में ये हम डुबकी सब्ज़ी बहुत ही बनाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखें और कमेंट कर ज़रूर बताना कि छत्तीसगढ़ की ये डुबकी सब्ज़ी आपको कैसी लगी। ये देखिए मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें गरम मसाला डालकर इसे मिला देंगे और थोड़ा और भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा कितना बढ़िया से भून गया है, तेल भी छोड़ दिया है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। तो मसाला हमारा भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी डालकर इसे हम इस तरह से मिला देंगे। अगर बनाने के लिए घर में अभी सब्जी ना हो या फिर वही सब्ज़ी खा खा कर बोर हो गए हों तो ये डुबकी की सब्ज़ी एक बार ज़रूर बना कर देखें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। अब जो दाल पीस कर रखे थे इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से इसे फेंट लेंगे। जिस तरह हम बड़ा बनाते हैं या बड़ी बनाते हैं उड़द दाल की, इसी तरह से बढ़िया से इसे मिला लेंगे। अच्छे से फेंट कर बनाने से ये डुबकी हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। ये देखिए सब्ज़ी भी हमारा बढ़िया पकने लगा है, खोल रहा है। तो अब हम इसमें छोटी छोटी डुबकी इस तरह से बना कर डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाए, जिस तरह से हम अदौड़ी बड़ी बनाते हैं ऐसे हाथ में लेकर और इस तरह से बना लें, या फिर थोड़ा थोड़ा एक एक बार लेके ही डालें। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से बना लें। ये हमारा सभी डुबकी बन गया है। गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे अभी। और जिस कटोरे में हम ये दाल रखे थे उसमें दाल लगा हुआ है तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम इस सब्ज़ी में डाल देंगे और इसे पकने देंगे। 2-3 मिनट बाद ये देखिए सब्ज़ी हमारा अच्छे से एकदम बढ़िया से ऊपर आ गया है, पक गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसे ढककर हम 8 से 10 मिनट तक के बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि ये जो हमारा
उड़द दाल का हम जो डुबकी बनाए हैं वो अंदर से बिल्कुल कच्चा ना रहे, बीच बीच में थोड़ा सा ढक्कन हटाकर और इसे हम मिला देंगे और ढक कर इसे बढ़िया से पकने देंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखें। सब्जी को पकते हुए 8 से 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है और ये डुबकी सब्जी हमारी बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो ये सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से हम बारीक धनिया डाल देंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये डुबकी सब्जी हमारी बनकर तैयार है। छत्तीसगढ़ की ये डुबकी सब्जी आप भी एक बार ज़रूर बना कर देखें। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। गर्मा गर्म चावल के साथ ये डुबकी सब्जी खाने में मज़ा ही आ जाता है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।